ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बोकारो सेक्टर 12 के थाना में शिक्षक मदन कुमार ने अपनी पत्नी के कार्यालय में तोड़फोड़, मारपीट किए जाने और रंगदारी मांगे जाने संबंधित शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षक ने आरोप लगाया है कि रात में उनकी पत्नी सरोज कुमारी अपने कार्यालय में बैठी हुई थी। इस दौरान मुकेश सिंह, अनिल सिंह और कई लोग हथियार से लैस होकर कार्यालय पहुंचे, कार्यालय में तोड़फोड़ की और वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली सरोज कुमारी ने 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग भी की। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मामला तो आज सुबह में मदन मास्टर साहब का दूरभाष से माध्यम से हमको सूचित किया गया कि मेरे घर में रात्रि को तोड़फोड़ हुई है, तो इसलिए हम लोग आज थाना में उनको बुलाए, प्लस अपने से जाके वहां पे घटनास्थल बगराई बेड़ा में जहाँ इनका ऑफिस है, कार्यालय है, वहां जाके निरीक्षण किए तो उनका कांच का शीशा उसा कुर्सी टेबल सब तोड़ा हुआ है। में अभी दिए कि हथियार से लैस होके पिस्टल उस्टल लेके रंगदारी के लिए आए हुए थे। मेरी पत्नी जो रियल इस्टेट में काम करती है वो उन्हीं के माध्यम से उनसे रंगदारी की डिमांड की जा रही है हमसे कि 50 लाख रुपया रंगदारी दो। सत्यता जैसे ही होती है फिलहाल अभी प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी इनके आवेदन पे और घटना की जांच निष्पक्ष करके मेरे वाइफ रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। अचानक हम मेरी वाइफ के ऑफिस में बैठे हुए थे, रात में करीब 12:15 बजे 25-30 की संख्या में लोग आए और आने के बाद हथियारबंद थे लोग। आने के बाद सीधे बोले अगर आपकी वाइफ को यहाँ अगर बिजनेस करना है तो 50 लाख रुपया 2 दिन के अंदर देना होगा रंगदारी के रूप में, अगर नहीं देना है नहीं तो बिजनेस नहीं कर सकते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।